हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एचएसएससी पीजीटी पेपर जो 2016 में हुआ था। पीजीटी 2016 में टोटल 30 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर साइंस से, और उसमें से 4 हमारे डीबीएमएस के थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डैश, व्हाइल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डैश। नाउ ये डीबीएमएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज लाइक अगर आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रोज जो हमारी टपल्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे। सी देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स को आप बोलते हो डिग्री, नंबर ऑफ रोज को आप बोलते हो कार्डिनलिटी। सो क्वेश्चन में फर्स्ट आपका है नंबर ऑफ टपल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज, वो आपकी होगी कार्डिनलिटी। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका कार्डिनलिटी, वाइल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वो होगी आपकी डिग्री। सो फर्स्ट कार्डिनलिटी देन डिग्री। अगर आप सारे ऑप्शंस को चेक करो देन यू कैन सी दैट इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशन इज डैश इफ एवरी फील्ड कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज, दैट इज नो लिस्ट और सेट्स। जब भी एटॉमिक वैल्यू की बात होती है, इट विल बी योर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। बीसीएनएफ में है कि आपकी हमेशा सुपर की होनी चाहिए। सो ये भी बेसिक क्वेश्चन था एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन आर फॉरन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, कॉम्पोजिट की। जब भी एक टेबल के साथ दूसरी टेबल की हम बात करते हैं, उसमें हमेशा आपका आंसर फॉरन की होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बाकी सारी कीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी की, देखो क्या होते हैं, आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इट इज लाइक कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल है किसी पोस्ट के लिए। अब इस केस में वो पोस्ट क्या होती है आपकी, प्राइमरी की, कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो सारी रोज को, सारी टपल्स को। सो बहुत सारे कैंडिडेट में से दो कैंडिडेट ऐसे आपके जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरी टेबल को, उन दोनों को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, दो कैंडिडेट मिल गए, अब इन दोनों में से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे, क्योंकि पोस्ट आपके पास एक ही है। तो जिसको भी प्राइमरी की बना दिया, एक को हम प्राइमरी की बना देंगे, जो बच जाएगी वो आपकी होगी सेकेंडरी की, कि वो एलिजिबल तो थी बट हमने उसको नहीं बनाया। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सेकेंडरी की का। फॉरन की वो होती है जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की है। कॉम्पोजिट की, एक ऐसे की जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर बनी है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कीज का। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज अ डेटा डिक्शनरी इज अ स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स। ऑप्शन ए इज नेम्स ऑफ ओल्ड फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, ट्रू। डेटा टाइप्स ऑफ ऑल फील्ड्स, अगेन ट्रू। विथ ऑफ ऑल फील्ड्स, अगेन ट्रू। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो डेटा डिक्शनरी में आपने जो भी डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें जो जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी जो नेमिंग हमने ली हुई है, कितने एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, उनकी क्या टाइप्स ली हुई है, वो सब आप डेटा डिक्शनरी में स्टोर करते हो। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे डीबीएमएस के जो हमने एमसीक्यूज की वीडियो बनाई हुई है टॉपिक वाइज, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। एंड इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोज, यू कैन फाइंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें हमने डीबीएमएस के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सोर्ट करके डाले हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन हैं। ओके, सो यू कैन ट्राई देम। एंड ये 4 क्वेश्चन ही आए थे हमारे पीजीटी एग्जाम्स में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक आर वीडियो देन डू सब्सक्राइब।